नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट पे और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। राजनाथ सिंह ने रक्षा स्टार्टअप के लिए अदिति योजना की घोषणा की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक नई योजना की अनाउंसमेंट की है जो स्टार्टअप द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फाइनेंस करेगी। इस योजना के तहत सरकार आर्म्ड फोर्सेस के लिए एसेंशियल इनोवेशंस के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अमाउंट प्रदान करेगी। नई योजना के तहत स्टार्टअप और इनोवेटर्स को आर्म्ड फोर्सेस के सामने आने वाली टेक्नोलॉजी चैलेंजेस के बारे में बताया जाएगा और सॉल्यूशंस के साथ आने के लिए कहा जाएगा। ये योजना फिलहाल 2 सालों तक चलेगी। वहीं इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तहत किया जाएगा। स्वीडिश डिफेंस साब ने भारत में नई कार्ल गुस्ताफ फैक्ट्री का निर्माण किया शुरू। स्वीडिश डिफेंस साब ने अनाउंसमेंट की है कि वो मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिलने के कुछ महीनों बाद अगले साल तक हरियाणा में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में प्रतिष्ठित कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। साब ने 3.6 एकड़ के प्रीमिसेस में भूमि पूजन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन फैसिलिटी के निर्माण की शुरुआत की। दरअसल ये स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 के लिए साब की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। आपको बता दें, साब ने एक नई कंपनी साब FFVO इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जो पूरी तरह से नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मालिक होंगी। रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडरों को किया संबोधित, जुड़वा विमान वाहक की युद्ध क्षमता देखी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इंडियन नेवी के टॉप कमांडर ने अरेबियन सी में नेवी के प्लेन कैरियर शिप पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस की समीक्षा की। कॉन्फ्रेंस भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन और तत्परता बढ़ाने पर केंद्रित रहा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि द्विवार्षिक नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने ट्विन कैरियर ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की कॉम्बैट कैपेबिलिटी देखी, जिसका उद्देश्य भारत की बढ़ती नेवल पावर को प्रदर्शित करना है। नौसेना 6 मार्च को MS-60R हेलीकॉप्टर सीहोक को INS गरुड़ में करेगी तैनात। इंडियन नेवी 6 मार्च को INS गरुड़ कोची में नए शामिल किए गए MS-60R सीहोक मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर को शामिल करेगी। आपको बता दें, ये भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन टूर में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। वह इंडियन नेवी ने बताया कि सीहॉक स्क्वाड्रन को INS-334 के रूप में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा और सीहॉक्स के शामिल होने से इंडियन नेवी समुद्री ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को तैयार है। MS-60R हेलीकॉप्टर भारत की मैरिटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, नौसेना की परिचालन पहुँच का विस्तार करेगा और स्पेक्ट्रम और विशाल समुद्री डोमेन में निरंतर नेवल ऑपरेशंस का समर्थन करेगा। भारत जापान सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन के लिए किया मॉक ड्रिल। इंडियन और जापानीज मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2024 के दौरान बादा कोर्स पर सोल्जर्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की सोशल मीडिया पोस्ट में ज्वाइंट ट्रेनिंग एफर्ट्स की जानकारी दी गई। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य भारत और जापान के बीच गहरे होते डिफेंस रिलेशन को दर्शाते हुए अंतर सार्वजनिकता और आपसी समझ को बढ़ाना है। आपको बता दें, राजस्थान में चल रहे इंडियन और जापानीज मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण के बीच लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइची ने प्रैक्टिस वेन्यू का जायजा लिया। उन्होंने जापानी और भारतीय ट्रूप्स को एनकरेज किया और दोनों देशों के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।